Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं रिवाइंड ऑफ अहमद खान 2023 फीचरिंग बरकत उसमें. फीचरिंग ही नहीं भाई, उनके चैनल नाम उनके ऊपर ही कर दो. अभी क्या है मतलब एवरी वीडियो में होते हैं ना, इतना मजा आता है. आई स्वेयर यार, जब बरकत उसमें नहीं होते तो वीडियो से खाली खाली सा लगता है. राइट, सो लेट अस सी हाउ दिस रिवाइंड ऑफ 2023 बाय अहमद खान इज गोइंग टू बी. चलिए देखते हैं. कहता हूँ चश्मे पहनने वालों की कदर करें. क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको देखने के लिए पैसे खर्च किए. हाँ. बुढ़ापे में शादी नहीं की यार इन्होंने. नहीं, इनका तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि बुढ़ापे में शादी करना ऐसा है जैसे रस्सी से स्नूकर खेलना. हाँ. अरे ये मोहल्ले में चाय बेच रहा था और आवाज क्या लगा रहा है? क्या चाय गरम हॉट नरम, चाय गरम हॉट नरम, एक किस देने में क्या शर्म. दो से पतली सूखी बेगम और उसके 17 बच्चे. मैंने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा हया नहीं आई. बोला नहीं उसका आज पेपर था. ओके लगता है. अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप वॉशरूम में बैठे हो उसकी कुंडी ना हो तो वहाँ ख्यालत क्या आते हैं? ये कुंडी होती तक ये होता नहीं, ख्यालत सिर्फ यही आ रहे होते हैं यार कि अभी वॉशरूम खुलने वाला है, अभी आने वाला है. इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं. मुझे एक दिन कह रहे हैं आजकल तो बोतल भी सील पैक नहीं मिलती और तुम उसकी तलाश में हो. मोबाइल सील पैक रोजगार की तलाश में भाई, रोजगार की तलाश. तो मुझे उसको क्लियर क्यों नहीं किया? मैंने बात को आगे फैला दी. अच्छा, ये किस बात को आगे बढ़ाऊंगा? मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ. मैं तमाम शादीशुदा लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सुख दुख सोच समझ के बांटा करें. ये स्क्रीनशॉट का जमाना है. आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शोर से आई लव यू, शोर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शोर करे बीवी से आई लव यू. बीवी करी एक मिनट ठहर जाओ, बच्चे भी जाग रहे हैं, जरा सोने दो. जी जी जी, बस मैं निकल गया हूँ. अरे बॉस आप संभाल लेंगे, मुझे पता आप माशाल्लाह. हाँ कर लेंगे आप बॉस, आप जहीन आदमी. और कल यार आप बहुत अच्छे लग रहे थे कल, आप ब्लैक पैंट में. Your look makes the first impression. What you do makes. ये क्या कर रहा है? ये बोल बॉस, मेरे ख्याल में खातून है. बस बॉस मैं पहुंच रहा हूँ यार. यार बॉस माशाल्लाह आवाज आपकी भाई बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, जबरदस्त है. ये क्या बदतमीजी, ये क्या कर रहा है? चल मैं आता हूँ. बहुत कुत्ते का बच्चा है ये, बहुत बड़ा. ये 4 दिन पहले अमेरिकन कुत्ता खरीद के लाया. मैंने उसको पूछा कुत्ता क्यों लाया? कह रहा है ये दिन में घर की हिफाजत करेगा. मैंने बोला अच्छा, और रात में? कह रहा रात में तो मैं खुद होता हूँ ना घर पे. अच्छा अहमद भाई आपने कॉल की थी, आपने ये तो नहीं बताया था ये दोनों भी होंगे. बात आपसे ये हुई थी, मैंने फोन पे बात की, प्रोफाइल इंटरव्यू है. लेकिन अब वो दोनों आ गए तो मैं उनको समझा भी करूं. समझे तुम तो बीच में बोले ही नहीं. यकीन करो मेरे कमेंट पर सारे ये बोले दाढ़ी वाला सारा फुफो बना हुआ ये मजे ले रहा होता. मैं तो बात कर रहा हूं. सर आप मुझे बताएं कि अगर दुनिया में 2 लड़के हो सिर्फ, एक पिल्ला और एक क्रिस गेल, तो आप दोनों में से किससे शादी करेंगी? कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता नहीं मैं अवेश की थी, अवेश की अवेश की रहूंगी. क्रिस गेल, यकीन करो इस उम्र में इन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है. आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं जानू तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती हो ना, वो कह रही हाँ बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना. और आपने ये सास बहू की बात की ना, आप देखो सास कह रही है बहू से बेटे जब मैं उम्मीद से थी ना तो मैंने जो कुछ भी खाया आज मेरे बेटे को हर वो चीज पसंद है. बहू कह रही लेकिन आपको कम से कम चर्स और शराब नहीं पीनी थी. हालांकि बेचती होंगी वो. यार ये बिजली की आपने बात की ना, यार ये लोगों के घर इतनी लाइट जा रही है, मैं तो बिजली वालों को बोलता हूँ भाई ये अपनी तारे लपेटें खोल के ले जाएं. परिंदों के बैठने के लिए अल्लाह पाक कोई और वसीला बना देगा? क्यों इतनी लाइट जा रही है? कहते औरत की मुंह दिखाई होती है, औरत की मुंह दिखाई होती है. मैं कहता हूँ मर्द की भी मुंह दिखाई होती है. कैसे? जब मर्द मरता लोग कहते हैं भाई देखते जाओ मुंह आगे आगे, देखते जाओ मुंह, देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ. अच्छा मैं आपको बताऊँ ये रिश्तेदार होते हैं ना टेंशन, ये आपको नहीं तो मैं और खुल के बाजे होंगे. रिश्तेदार आएंगे नहीं किसी की मैयत में, आएंगे तो दूर बैठे होंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे. और मैं कहता हूँ रिश्तेदारों के साथ बैठने से बेहतर है बंदा वॉशरूम में बैठ जाए. क्यों यार? जो खराब रिश्तेदार है अदनान भाई, जो खराब रिश्तेदार है आप अपने रिश्तेदारों से बहुत खुश है. मुझे एक बात बताओ, मानते हैं अगर शोहर की 5 मिस कॉल आ जाए तो बीवी सोचती है पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन अगर बीवी की 5 मिस कॉल आ जाए तो शोहर सोचता है पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले अगर मैं अपनी बात करूँ ना, पहले मेरी इंग्लिश कमजोर थी, फिर मैंने इंग्लिश फिल्में देखना शुरू कर दी, अब मेरी इंग्लिश ठीक हो गई है लेकिन मेरी टांगे कमजोर हो गई है. ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे हैं. मैं मारने के लिए दवाई फेंकी है. ओ भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना. मैं आपको बता रहा हूँ कसम खुदा की, आप बहुत झुकते मार रहे हो, ज्यादा झुकते नहीं मार रहे, खुदा की कसम 2.5 किलो का हाथ देख रही है. ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल. एक बात पूछा, तुम दोनों एक साथ होते हो, कोई मियां बीवी तो नहीं हो?
जबरदस्त सौ लोहार की तो एक चमार की है। इसी बात पे अर्ज किया है कि फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। जवाब आ रहा है कि कल रात सो रहा था छोटा भाई बेखबर, कल रात सो रहा था छोटा भाई बेखबर, गर्दन को अपनी मोड़ के तकियों पे रख के सर, इतने में हुआ वहां से अमरीन का गुजर, चौंका छोटा भाई, देखा उठा के सर, कहने लगा अमरीन से चलिए तू किधर, अमरीन कहती है तमीज से बात कीजिए, जो मुंह से बह रहा है उसे साफ कीजिए। मेरे एक दोस्त का वाकया हुआ, अब वो बेचारा इतना वो हो गया था, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गया था वो ना, अब उसने क्या करा, वो एक संपट मतलब वो देख रहा है, वो फिल्म देख रहा है, वो फिल्म देख रहा है, अब मेन सीन फंस गया। अब उसके अब्बू अचानक गुजर रहे पीछे से ना, उसके अब्बू ने अचानक कमरे से यूं गुजर रहे हैं, यूं गुजर रहे हैं, यूं गुजर रहे हैं, अचानक उसके अब्बू यूं गुजरे, नजर पड़ गई, क्या सीन फंसा हुआ। तो अचानक उसने पीछे देखा तो अब्बा उसकी तरफ देख रहे, वो अब्बा की तरफ देख रहा, ओ भाई अब मुंह सीन फंसा हुआ है, सही है, बंद भी नहीं हो रहा, कंप्यूटर होता है ना बंद भी नहीं हो रहा, अब वो क्या कर रहे हैं, स्विच नहीं निकाल रहे, दोनों बाप बेटे लात मार रहे पीसी को। कह रहा दो दिन से मेरा भी यही सीन फंसा हुआ तेरा आज ना फंसा। अच्छा मैंने सुना आप पहले जो है वो शतरंज वाले घोड़े पे बैठ के डकैती मारते थे। क्या मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड पानी से डरती है, बताओ पानी से डरती है। एक दिन मेरा दोस्त घर गया तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाथरूम में बैठी है, इतना डरती है, इतना डर तो सिक्योरिटी गार्ड, अच्छा उस वक्त पानी आ रहा था, अब ये मुझे लेकिन वहां पर चोर आ गया, लूटा कुछ नहीं, फिर रंग गोरा करने वाली क्रीम का नाम लिखकर देकर गया। ओ बाबा मैंने एसी को डी देख लो, इसका मुंह कितना साफ हो रहा है, क्रीम अच्छी थी। अच्छा ऐसा आदमी जब कहीं लिखता है ना कि जलने वाले तेरा मुंह काला, हाँ? नीचे अपना मुंह भी बना देता है। हाँ? और ऐसे आदमी का भी हर नमक के पीछे लिखा हुआ होता है, नमक हराम। बाबा ये क्या आप पहले स्टेज आर्टिस्ट थे, कौन थे? आप यकीन करो अभी दो दिन पहले की बात है, हमारे मोहल्ले में एक बंदा भागे हुआ जा रहा था, मैंने बोला किधर जा रहा है, कह रहा पुलिस स्टेशन मेरे घर चोर आ गया। अरे मैंने बोला तो बीवी को घर में अकेला छोड़ दिया, कह रहा नहीं उसने चोर को भाव में जकड़ा हुआ। इसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत, अब कमजोरी नहीं बता रहा कौन सी है। नहीं देख रहा, बस में एक बच्चे को ना लड़की ने थप्पड़ मार दिया, बच्चे ने सुनकर कहा था आंटी आंटी आप मेरी जगह पे जाके बैठ जाए, आंटी ने थप्पड़ मार दिया, बच्चा रोता हुआ दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। सही है? अच्छा मैंने देखा ये मैयत की बात की ना, मैंने कुछ खवातीन को बल्कि अक्सर खवातीन को देखा, मैयत वाले घर में भी बहू ढूंढ रही होती है। हाँ ये बात फैक्ट है, क्योंकि वो रोई भी लड़की होती है तो गुलाबी आंखें हो रही होती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। दो दिन पहले की बात है, मैंने होटल वाले से कहा, मैंने कहा यार आपके होटल का खाना कैसा है, वो क्या कह रहा है हमारे यहाँ हजारों मक्खियां घूम रही है, वो गलत तो नहीं हो सकती ना। दो नंबर बाबा हो? नहीं बाबा एक नंबर बाबा, का एक नंबर बाबा है, गिल बच्चा, तुमका बच्चा, तुमका बच्चा, देख बच्चा ये लानत दे रहा है। कौन? अरे मेरा वो गिल है। हां तो मुंह पे फिट आ रही होगी ना। हां अरे मुंह पे फिट आ रही होगी ना, शौहर और बीवी का झगड़ा हो रहा है। ओके भाई यार ये रिवाइंड जो है ना, मुझे ये रोज का अभी तक नहीं आया है, रोज खाना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम अहमद खान पॉडकास्ट, जब टिल्ले और उसकी गर्लफ्रेंड आए थे बरकत उसमें, ओ माई गॉड इतना वायरल हो गया था ना वो वीडियो, इंडिया में चाहे पाकिस्तान में चाहे, मैं सच्ची में बोलूँ इतना फुल वायरल हो गया था, और हमने भी इतने मजे से देखा एक्चुअली, मतलब वही से हमको पता चला कि हाँ भाई अहमद खान पॉडकास्ट मतलब नाम का एक पॉडकास्ट भी है एंड ऑल, बहुत मजेदार यार, बहुत मजेदार एक्चुअली। मुझे से लगता है कभी कभी वो पॉडकास्ट फिर से देख लूँ मैं, इतना मजेदार था। सो या दैट इज इट फॉर टुडे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट। थैंक यू।